सेनेटरी इंस्पेक्टर और एलडीसी के जो है उसके भी इस वीक में वो कह रहे हैं वित्त विभाग से स्वीकृति के लिए भेजेंगे, फाइल भेजेंगे, ये आज डीएलबी के अधिकारियों ने बताया है। एलडीसी 2013 का एक भी अभ्यर्थी 25 जुलाई को नहीं पूछा, सोशल मीडिया में बड़ा हंगामा कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जब हम संघर्ष के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात थी, मैं आपके अभ्यर्थियों को एक नहीं दो को लेके गया, लेकिन कम से कम आप लोग एक या दो जो भी है मुझे याद नहीं, एक था प्रतिनिधि था, लेकिन कम से कम 25 जुलाई को जब धरना प्रदर्शन करके आपकी मांग सामने थी पहुंचना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुंचे, नहीं पूछेंगे, घर बैठे सोशल मीडिया पे हीरो बनेंगे, मांग उठाओ नहीं फिर कहेंगे हमारा साथ नहीं दे रहे, घर से निकलना चाहिए ना, कम से कम एक सिंगल व्यक्ति नहीं था। शिक्षा विभाग में बोले कॉलेज लाइब्रेरी और पीटीआई भर्ती की विज्ञप्ति अगस्त के प्रथम या 10 अगस्त तक कॉलेज लाइब्रेरी और पीटीआई की विज्ञप्ति जारी आश्वासन जारी करने का आश्वासन हमें आरपीसी से मिला था अधिकारियों से मुलाकात की थी। और इसके अलावा जो होम साइंस के जो पद हैं उसमें वित्तीय स्वीकृति वाला जो वो जो विसंगति हुई थी रोस्टर को लेकर इस वीक में भिजवाने के बाद हमें कॉलेज जब शिक्षा में गए आयुक्त मोदी जी ने कहा था। कई लोगों का कमेंट है उनको लेकर भी मैं जवाब देना चाहूँगा। क्या क्या कमेंट आ रहे हैं, पशु परिचर भर्ती का सिलेबस 30-40% मेरे हिसाब से पशुधन सहायक भर्ती वाला ही होना चाहिए, तो पशु परिचर भर्ती का जो कई लोग कह रहे तैयारी कैसे करें वो उस हिसाब से कर सकते। विशेष शिक्षा सेकंड ग्रेड भर्ती का भी एक भी अभ्यर्थी वहाँ मौजूद नहीं था धरने में, जबकि उनके अभ्यर्थी आए थे, मैंने कहा था आना चाहिए, लेकिन एक भी नहीं आया था, लेकिन मैं पहले दे चुका हूँ, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई तब ज्ञापन में शामिल था, और इस बार भी जो ज्ञापन था 25 जुलाई का आंदोलन का उसमें भी आपकी मांग शामिल थी, लेकिन वहाँ एक भी अभ्यर्थी नहीं पहुँचा। रीट 82 नंबर वाले मामले में सेक्रेटरी निदेशक मुख्यमंत्री सचिव सबको हम ज्ञापन सौंप चुके हैं और उम्मीद करता हूँ उनको बड़ी राहत मिलेगी, जितना प्रयास मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूँ, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को भी आपका ज्ञापन सौंप दिया, हाईकोर्ट जो न्यायालय जो आदेश दिया उसकी कॉपी सौंप दी, उम्मीद करता हूँ उन्होंने आज फाइल पुटअप की है सेक्रेटरी साहब ने, और जल्दी इस पर मीटिंग हो गया और जल्दी आप लोगों को राहत मिलेगी उम्मीद करता हूँ। संस्कृत शिक्षा विभाग में जो भर्ती संबंधित लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ, सितंबर में चाहे कंप्यूटर अनुदेशक हो चाहे वो थर्ड ग्रेड के 2200+ पदों की जो संख्या मैं बता रहा हूँ पीटीआई लाइब्रेरियन, सितंबर तक इनकी किसी भी हालत में विज्ञप्ति जारी कराने का मेरा प्रयास है, अभ्यर्थी तैयारी शुरू कर दो, प्रयास मैं कर रहा हूं तो समझ लीजिए प्रयास ये सफल होगा। पैंतालीस सौ पदों के लिए मैं आपको बता दूं उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमने नहीं भर्ती की वित्तीय स्वीकृति से मांगी, हमारे पास पद नहीं 4500 पदों, मैं कई बार रख चुका हूँ, इस बार भी 25 जुलाई को आंदोलन था उसमें भी रखी थी, और आपका एक डेलीगेशन ने अभ्यर्थी को भी लेके गया था, मैं जो 4500 पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं उस दौरान जब सीएमओ में वार्ता के लिए गए थे 25 जुलाई को तो एक अभ्यर्थी को साथ लेके भी गया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। हालांकि क्रमवाइज की बात चलिए फर्स्ट ग्रेड की पहले नियुक्ति हो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की पहले हो, सेकंड ग्रेड में समय लगेगा लेकिन फर्स्ट ग्रेड की पहले हो थर्ड ग्रेड से, लेकिन मैं थर्ड ग्रेड की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं रोक पाऊंगा उनके समय पे, उन्हें कई लोग बेचारे हालत खराब है, गंभीर आर्थिक तौर से गंभीर है, तो मैं ये नहीं कहूंगा इसको रोक दो उसको दो, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की मैं जब इनके दस्तावेज जब चेक कर रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड फाइनल परिणाम जारी करेंगे तब तक मैं कोशिश करूंगा उनकी प्रक्रिया होकर उनको ज्वाइनिंग मिले, ये मैं निदेशक मोदी जी के सामने भी बात रख चुका हूँ। वन रक्षा का जल्दी आएगा, संस्कृत शिक्षा विभाग का मैं बोल चुका हूँ, 171 को जिला अलॉटमेंट हो वीडियो भर्ती का, कल तक मैं इस संबंध में बात करके अधिकारियों से मैं ट्वीट करूंगा, कल तक मैं आप लोगों को बताऊंगा। नई सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की अभ्यर्थी तैयारियां शुरू कर दो, वित्त विभाग में फाइल किया जल्दी उसको वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम है, पद बढ़ाने की लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन डीपीसी हो जाती तो पद बढ़ते, अभी मुझे लगता है डीपीसी नहीं हो पाई होगी शायद। अधिकतर मुद्दों पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, एक बार मैं फिर कोई बात भूल गया हूँ तो मैं देख लेता हूँ, अन्यथा कई चीजें मैं आपके सामने रख सकता हूँ। एक चीज़ और मैं देख लेता हूँ, 25 जुलाई को मैंने कई मांगे रखी थी, मैंने आप लोगों के सामने भी रखी थी, मैंने रखा था पेपर लीक माफिया दलालों सांठगढ़ से आरोपित आरपीसी के सभी सदस्यों की जांच की मांग मैंने 25 जुलाई के आंदोलन में रखी थी। 1,00,000 नहीं भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण हो और विज्ञप्तियाँ जारी हो कैलेंडर जारी हो इसकी मांग आज भी रख रहा हूँ, लगातार प्रयास कर रहा हूँ आज भी रखे हम। चिकित्सा विभाग में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एंड ब्लड बैंक टेक्नीशियन डायलिसिस टेक्नीशियन
ईसीजी टेक्नीशियन, इमरजेंसी टेक्नीशियन, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन भर्ती सेवा नियम बने। मैं आपको बता दूं उसकी फाइल चल रही है, कैडर बनेगा। मैं आपको बता दूं जो लगातार जो आसाराम जी हैं आपके साथी है, और आपके वो देवेंद्र जी हैं, पंकज भाई हैं, और गंगाधर जो हैं, कई काफ़ी साथी मेरे संपर्क में हैं। ये 25 तारीख को गए थे, फाइल चल रही है और इसका कैडर बनेगा और आपकी भर्ती आएगी। चिंता ना करिए, आपके साथ मैं पहले भी था, आज भी हूँ, और आपको सफलता मिलेगी। आपकी फाइल बड़ी तेज गति से चली है। जिस दिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात करवाई थी, उसके बाद ही आपकी भर्ती की ये फाइल चली है। कई लोग जब काम होगा कॉपी पेस्ट भी आएंगे, लेकिन आपकी अभ्यर्थियों को पता है, जब 18 जून को मुख्यमंत्री जी से मिले तो आपके एक नहीं दो अभ्यर्थियों को मैं साथ लेके गया था। उसके बाद फाइल चली है और अब वो उसकी तेज गति से आपका काम मामला पकड़ा है। और आपके साथियों का भी फाइनेंस सेक्रेटरी से अखिल अरोड़ा जी से मैं मिला हूँ आपके साथियों के साथ जाकर, और पुनः जहाँ हो सकता होगी मैं साथ रहूँगा और जल्द से जल्द आपका कैडर बने, आपकी विज्ञप्ति जारी है, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और आपका साथ देता रहूँगा जब तक आपका काम नहीं होगा। धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए बोला हूँ क्योंकि आपके साथी आए थे और संघर्षशील है, और आगे भी जब भी बुलाए तो आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की जाए, या कमेटी बनाकर, हमने मांग की थी 25 जुलाई को कि एक तो कमेटी बनाकर चाहिए सरकार कमेटी बनाए, या फिर यूपीएससी की तर्ज पर सदस्य अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए मांग हमने की थी। पैटर्न गाइड्स का मान दे दिया जाए, संविधान रूल्स में शामिल किया जाए, जिनको स्थायी किया जाए। इनकी पैटर्न गाइड्स को एग्जाम हुई थी, उनका परिणाम आया और उनको ट्रेनिंग दी गई, न तो पैसे मिल रहे हैं, न इनको नियमित तौर पर शामिल किया गया, न संविधान रूल्स में शामिल किया, इनकी मांग भी रखी थी। साथ ही अध्यापक भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, स्कूल व्याख्याता, पीटीआई सहित जो तमाम प्रकारधीन भर्तियों की जल्द से जल्द नियुक्ति देने की मांग भी हमने 25 जुलाई को मजबूती से उठाई थी। पंचाराज जैन, अयन, कनिष्ठ निदेशक, सैनिटरी इंस्पेक्टर, कंप्यूटर निदेशक, योग, प्राकृतिक चिकित्सक, स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती, टेक्निकल हेल्पर, कॉलेज लाइब्रेरी, पीटीआई, पशु परिचर, विशेष शिक्षक के सेकंड ग्रेड, संस्कृत शिक्षा विभाग की जो पीटीआई है, लाइब्रेरियन है, कंप्यूटर निदेशक है, थर्ड ग्रेड है, तमाम भर्तियों की मांग रखी थी। नहीं, तमाम विभागों में, बिजली विभाग से लेकर तमाम विभागों में हमने भर्ती की मांग रखी थी। गोपाल केसाव, ईओआरओ भर्ती के उमर सीट कांड प्रकरण की जांच, सोशल मीडिया पर वायरल एसआई भर्ती, जो एसआई की भर्ती की जांच की मांग भी हमने रखी थी। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग श्रेणी, फर्जी खेल प्रमाण, फर्जी ऑर्डर लेकर कानून बने और इनकी जांच करने की मांग हमने रखी थी। रीट पात्रता परीक्षा तिथि की मांग रखी थी, सीईटी की मांग रखी थी, अध्यापक 82 नंबर वाली भी मांग रखी थी, कमेटी बनाई, सीएचओ भर्ती परीक्षा, तमाम जो चीज, अध्यापक लेवल 2 में कम किए गए 4500 पदों की मांग रखी थी, युवा बिरोध के समझौतों की मांगों को पूरा करने की मांग रखी थी। आगामी सारी भर्ती परीक्षा संहिता पर नहीं, लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाए, जो आगामी भर्तियां, ये भी मैंने मांग रखी थी। संहिता पर भर्तियों पर रोक लगाने की मांग रखी थी। भर्ती परीक्षाओं में पेपर के प्रश्नों को विवाद को लेकर बनने वाले जो पेपर बनाते हैं, जो विवाद उत्पन्न होता है, उन एक्सपर्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाए, आर्थिक कानूनी, अभ्यर्थियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये मांग भी हमने रखी है। पंचायराज, एलडीसी, नर्सिंग भर्ती 2013 की मांग रखी थी। चिकित्सा विभाग की जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती की सूची, उम्मीद करता हूँ आने इस वीक में या अगले वीक में इसकी सूची जारी होगी, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की। 31 तारीख तक का समय दिया था। कल एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, प्रयोगशाला सहायक चिकित्सा विभाग की भर्ती की जो एक और सूची जारी होनी थी, उनको 31 जुलाई तक निदेशक मोदी जी को समय दिया गया था, और 31 जुलाई आज हो चुकी है। कल एक बार फिर सीएमओ में एक बार अधिकारियों को बुलाया गया है और कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कब इसकी सूची जारी होगी, लेकिन सीएमओ का अधिकारी कह रहे हैं तत्काल इसकी सूची जारी करें। बाबूलाल कटारा, सुरेश डाका, सब पेपर लीक माफियों की संपत्ति जब्त करने की मांग रखी थी। पेपर लीक मामले में लाई गई उम्र कैद की सजा कानून को जल्द जल्द धरातल पर लागू करें और फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन करें। कई मांगे मैंने रखी थी जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाया, कई चीज़ तो मैं जल्दबाजी में नहीं बोल पाया, लेकिन यूओ के साथ धरातल पर आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जहाँ डरने की बात आती है वो पे नहीं दबाता है, जो सोशल मीडिया पे शेयर बनने कोई भी साथ नहीं आता, आता है कोई है? बोल रहा कोई 1 लाख भर्तियों के लिए? कोई नहीं बोल रहा, बोल रहा है सीएचओ पेपर लीक को लेकर, ईआरओ को, इनकी जांच की मांग, कोई नहीं बोल रहा। कुछ दिन आते बोल के चले जाते, लेकिन आपका भाई आज ही बोल रहा, और जब तक राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में मैं बोलता रहूँगा। अधिकृत चीज़ों को मैंने जवाब दिया है, लाइव लंबा हो चुका है, फिर जब भी लाइव आऊँगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। लेकिन कल सुबह 11 बजे मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पे युवाओं से मुलाकात करूँगा। काफ़ी युवा कहते हैं कि हमें मिलना है, तो कल मिलूँगा मैं 11 बजे, 11 से मैं 1.5 घंटे वहाँ आप लोगों से मुलाकात करूँगा। इसके बाद मैं कुछ अधिकारियों से भर्तियों संबंधित मिलने जाऊँगा, जो मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। तो साथियों कल 11 बजे मिलते हैं आप लोगों से। अधिकतर चीज़ों पर मैंने चर्चा की है, जो चीज़ भूल गया हूँ उसके लिए मैं चर्चा करूँगा आगामी लाइव में। और
एक चीज तो मैंने देखी सोशल मीडिया पे जो ट्वीट कमेंट करने वाले 100 में से 2% लोग पहुंचते हैं और सब लोग घर बैठे बैठे ज्ञान देते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी आवाज़ उठाता हूँ। मैं भी आप जैसे ज्ञान देने लग जाऊँ तो फिर यूं की आवाज़ कौन उठाएगा। मैं सब कुछ दे लाठी खा के, और एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, जब 25 जुलाई को धरना प्रदर्शन लोग सवाल उठाते हैं, कहते हैं अब सत्य तो जानिए, 25 जुलाई को जो धरना प्रदर्शन हुआ 10,000 नगद टेंट के और 2,000 रुपये माइक वाले के, इनके 12,000 रुपये और 1,000 रुपये और खर्चे हो गए थे, 13,000 रुपये नगद मैंने मेरी जेब से दिए, किसी से नहीं लिए। पिछले 11.5 साल से पता नहीं कहाँ से कैसे करके मैंने ये संगठन चलाया, और हर बार मैंने धरना हो, प्रदर्शन हो, ज्ञापन हो, बैनर हो, मैंने कैसे जैसे मैनेज किया है। परमिशन के लिए एक दिन नहीं 2 दिन भागना भी पड़ता है, सब कुछ करके मैं आपकी आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं मेरा कर्तव्य मेरा धर्म निभा रहा हूँ, आगे भी मैं जब तक बेरोजगार एक महासंघ में ऐसे ही साथ देता रहूँगा। एक और युवा कार्यक्रम में आप लोगों से मुलाकात होगी, और जो भी अपडेट होगी मैं ट्वीट करके आप लोगों से बताता रहूँगा, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पर जुड़िए। अभी मैं लाइव ख़त्म होने के बाद मैं 1-2 ट्वीट और करने वाला हूँ, आप सीधा ट्विटर पर जुड़िए, यूट्यूब पर जुड़िए, फेसबुक पेज पर जुड़िए, ये मेरा सीधा आपसे जुड़ने का माध्यम है। अगले युवा तक कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन मेरा लक्ष्य 1,00,000 पर कदीर भर्तियों की नियुक्तियाँ तत्काल हो, 1,00,000 नई भर्तियों का वर्गीकरण, उनका भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी हो, और युवाओं को राहत मिले, तमाम मांगों को लेकर मैं आप लोगों के साथ लगातार जुड़ा हूँ, संघर्ष करूँ। फिर एक और युवा तक कार्यक्रम में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।